पटियाला में किसानों का धरना प्रदर्शन, जम्मू कटरा हाईवे को लेकर दिया धरना, मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी। मानसा में स्कूल अध्यापकों का प्रदर्शन, स्कूल बंद करने पर नाराज हुए अध्यापक, सरकार पर बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप। अमृतसर में युवकों की दबंगई आई सामने, दबंगों ने घर पर बरसाए ईंट पत्थर, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। धुरी में नशे ने ली एक और जान, अस्पताल में मिली युवक की लाश, नशे की ओवरडोज के चलते हुई। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। पूरे भारत में मोदी सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन चल रहा है, वहीं पटियाला में जम्मू कटरा हाईवेज को लेकर किसानों की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान किसानों ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक यह धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा, अगले 5 दिन तक भी जारी रहेगा और मांगे पूरी अगर नहीं होती है तो आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। जिनों लंबे समय से मोदी सरकार के खिलाफ किसानों की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं आज जो जम्मू कटरा हाईवे को लेकर किसान जो हैं सड़कों पर आए, किस लिए आए हम उनसे जानना चाहते हैं, क्यों लोड पई उनको जो सड़कों पर उतरने की, क्या क्यों लोड पई आपको ये सड़कों पर उतरने की? आज एक्चुअली क्या है, हमारा जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे हाईवे निकल रही है, लुधियाना से एक जो है वो लुधियाना रोपड़ा रोड निकल रही है, एक अमृतसर बठिंडा जामनगर रोड निकल रही है, बहुत सी रोड्स ऐसी हैं जो भारतमाला प्रोजेक्ट के अधीन निकल रही है। उसके अंतर्गत ये जो पंजाब सरकार है ये हमारी ज़मीनें एक्वायर कर रही है, लेकिन हमको जो उसका कंपनसेशन है, मुआवजा है, वो बहुत कम रेटों पे दे रही है। जबकि इससे पहले आज से 4-5-6 साल पहले जो इसी रोड के अंतर्गत, इसी कानून के अंतर्गत इन्होंने 1.5-2 करोड़ पर एकड़ मुआवजा दिया है, आज उसी एकड़ का वो हमको मुआवजा जो है तकरीबन 9 लाख 8 लाख 9 लाख बस ये इतना दे रही है। उसके संबंध में हमारी पहले भी 15-1 को जहाँ पे एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, उसके बाद प्रशासन ने हमारी जो है मुख्यमंत्री तक बात पहुँचाई थी, उसके बाद हमारी 2 मीटिंग भी हुई, मुख्यमंत्री ने 2 कैबिनेट मंत्री जो सिंगला जी हैं और 2 सीनियर IAS अधिकारी हैं उनकी हमें एक कमेटी बना दी थी, उस कमेटी में हमारी 2 मीटिंग हुई है, लेकिन हम उन्होंने हमारे पल्ले कुछ नहीं डाला, दिया कुछ नहीं है, बस अपना काम तेज कर रखा हुआ, वो अपना फाइलों का काम भी पूरा कर रहे हैं, फील्ड का काम भी पूरा कर रहे हैं, लेकिन हमको आश्वासन कुछ नहीं दिया इन्होंने, फिर हमको मुआवजा क्या देंगे इसके बारे में। हमने इनको 2-3 दिन पहले बोला था कि हम आएंगे मोती महल का घराव करेंगे, लेकिन हम क्योंकि कोरोना चल रहा है, कोरोना को मद्देनजर रखते हुए हम खाली 11 जिले से 10-10 किसान आएंगे, एक एक ट्राली ट्रैक्टर ट्राली लेके 10-10 किसान आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे क्योंकि कोरोना चल रहा है, इसलिए आज भी हम वही 10 जिलों के किसान आए हैं, एक एक ट्राली में 9-10 किसान आए हैं, लेकिन हमने आगे जाना था, पुलिस ने हमको जहाँ पे रोक दिया, बोले नहीं हमको ऊपर से हुक्म आया हुआ है आप नहीं आगे नहीं जा सकते, हम जहाँ पे बैठे हुए हैं। आपने मोती महल का घराव करना था लेकिन आपको पुलिस की ओर से यही रोका गया है, क्या यही आप धरना प्रदर्शन करोगे या आगे जाने की भी रणनीति है? नहीं, हम देखिए हम कानून के बंधे हुए हैं, हम कानून की पालना करते हैं, हम वो शहरी हैं जो कानून को बिल्कुल मानते हैं, इसलिए हमने इनको 5 दिन का अल्टीमेटम दिया हुआ है, 5 दिन तक अगर ये नहीं मानेंगे, नहीं हमको जाने देंगे, तो उसके बाद जहाँ कोई अधिकारी इनका कोई बात नहीं करेगा, हमको गवर्नमेंट की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिलेगा, उसके बाद हम 6वें दिन जो है वो हम पूरे अपने पूरे पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से और दिल्ली से, गुजरात से, ये हमारे 5 स्टेटों के किसान आएंगे, फिर देखेंगे हम ये क्या करते हैं, पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा, लेकिन ये तो हमारी अंतिम चेतावनी है इनको, अगर उससे पहले पहले प्रशासन हमसे बातचीत करना चाहता है, हमारे मसले हल कर देगा, तो हमको क्या दिक्कत है, हमको जहाँ पे धूप में बैठे रहेंगे, हमारी कोई वो दिक्कत नहीं है कोई। ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा यहाँ 5 दिन के लिए? बिल्कुल 5 दिन के लिए जारी रहेगा, 6ठे दिन जो है वो धरना पूर्ण रूप से पूरे पंजाब से, वो दूसरे 4 स्टेटों से किसान आएंगे, वो पूरा बड़ा धरना होगा।
आप देख सकते हो मेरे पीछे जो है किसान जथेबंदी जो बैठे अपना धरना प्रदर्शन जारी है, जिसमें महिलाओं भी हैं यहाँ मौजूद हैं अपनी ट्रैक्टर ट्रालियों पर। ये किसान यहाँ अपना धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं, प्रशासन की ओर से भी जो है पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, किसानों को यहीं रोका गया, उनको यही विश्वास दिलाया जा रहा है कि जो भी आपकी मांगे हैं वो सरकार तक हम पहुँचाई जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की यही मांग है, जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक ये जो धरना प्रदर्शन है हमारा 5 दिन के लिए यही होगा। कैमरामैन हरप्रीत चहल के। भारत सरकार के खिलाफ आज लगातार तीसरे दिन भी भारतीय किसान यूनियन की ओर से पीएम मोदी और हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ नारे लगाए गए हैं। कुरुक्षेत्र में नए बस स्टैंड के सामने किसानों ने लोगों से अपनी अपनी गाड़ियों का हॉर्न बजाकर समर्थन मांगा, जहां लोगों ने भी अपनी अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजाकर उनका भरपूर साथ दिया है। इस दौरान किसान नेता दिलबाग सिंह और अमरीक सिंह ने कहा है कि जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होते हैं तब तक धरना प्रदर्शन ही जारी रहेगा। केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है और इसी बीच जालंधर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान 26 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भारत बंद के ऐलान को लेकर चर्चा की गई, साथ ही सभी ने इस बंद में शामिल होने का आह्वान किया है। सरपंच जंडियाला जमहूरी किसान सभा पंजाब जिला जलंधर का प्रधान और 26 मार्च में संयुक्त किसान मोर्चे के सदे के उत्ते जिहड़े भारत बंद के सदे की कॉल दी गई आ, अज उस संबंध में ही साडा ट्रेड यूनियन किसान मजदूर ट्रांसपोर्टर सारे ही लोग जिहड़े आ अज इस गल लई चिंतित आ कि जिहड़ा 26 मार्च का भारत बंद आ उहनूं कामयाब करना आ। असीं मंडियां दे विच भी और ट्रांसपोर्ट वालों भी और भाईचारे वकील भाईचारे भी मिल चुके हैं और सारियां दा रिस्पोंस बहुत वधिया आ। असीं तुहाडे माध्यम राही भी यह बेनती करते हैं कि 26 मार्च में टोटल ट्रांसपोर्ट बंद होएगी, ट्रेना बंद होनगियां, दुकाना बंद होनगियां, सारे ही विद्यक अदारे बंद होंगे। ये असं अपील कर आए हैं कि तुम अपने माध्यम राही भी लोगों को दसो कि 26 मार्च के बंद का जो संयुक्त किसान मोर्चे ने सिद्धे दिता आया। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के काले कानून के खिलाफ सरहिंद की दाना मंडी में महापंचायत की, जहां हजारों किसान मजदूरों और कारीगरों के अलावा किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले लोगों ने भी भाग लिया है। इस महापंचायत में किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल, डॉक्टर दर्शनपाल समेत कई लोग मौजूद रहे। ਉਹਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਅੱਜ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਸੀ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅੱਜ FCI ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਦਾਂ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਰਦਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਓ, 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੱਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਨ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ
वड्डे एक लोगों के कह लो भी बाकी सुरां नूं जन्म देगा जिहड़े ये तीन कानूनों वापस लैण वास्ते होणगीआं ते किसानां लई एम एस पी दिवाउण वास्ते 26 दे बंदे वास्ते पहलां तां जो असीं करना उह इह है सवेरे 6 बजे तों लैके शाम दे 6 बजे तक लोगों नूं प्रेरिया गया कि सारे देश दे विच बंद होऊगा बंद होऊगा कोई रोड से बसा नहीं चलनगियाँ ट्रैक से रेलां नहीं चलनगियाँ दुध ही दुध नहीं पा आएंगे डेयरिया बंद रहनगियाँ बाजार बंद रहनगे मार्केटा बंद रहनगियाँ मीनस के मुकम्मल बंद का कॉल दिता है तो यदि तैयारियां भी कराई गई ने वो बंद ही सच्चे बंद है जरा बंद तो रजिया ने जड़िया इन्हों जोड़ के तुम यह कहते कि देश व्यापी जरा लोगों का गुस्सा सरकार के प्रति चैनलाइज कर दी असं अपने वालों संयुक्त किसान मोर्चा लोगों बार बार एक चीज़ जोड़ा है वो रिपीट करना उन्होंने रवा करना वो चीज़ है कि भी असं पूरे देश के पंचायत कर रहे हैं इतने तो वैसे पहला बड़ी जागृति है हरियाणा पंजाब इतने तो होंगे कि दोबारा तो लोग ठंडे ना पै जाए गर्म रहन तो जी नवी गल होंगी वो लोगों तक पहुँचे तो बाकी पूरे देश के असं ये पंचायत कर रहे हैं तो पूरे देश के बड़ा चंगा माहौल है हर स्टेट के इस तरह भीड़ होंगी जिस तरह इतनी इकट्ठी होगी। कोरोना महामारी को देखते हुए पंजाब सरकार की ओर से पंजाब के सभी स्कूल बंद करने का फैसले पर अब लोग रोष प्रकट करने लगे हैं। इसी के चलते मानसा में स्कूल अध्यापकों और अन्य स्टाफ ने पंजाब सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की है। साथ ही सड़कों पर उतरे अध्यापकों ने कहा है कि पंजाब सरकार कोरोना के नाम पर बेरोजगारी को बढ़ावा देने में लगी हुई है। गल करिए नौकरियां भी अजकल कितने मिल दिया ने मतलब 10-10 साल 15-15 साल टेट हो रहे हैं टेट क्लियर पास लोग बैठे हैं ठीक है उन्होंने नौकरियां नहीं मिल रही है तो सो जो नौकरियां नहीं मिल रही है सरकार कह रही है कि प्राइवेट ट्यूशन बंद कर दो मीन्स प्राइवेट ट्यूशन बंद करके वो कह रही है कि टीचर्स जोड़े बच्चे है वो सरकारी स्कूलों से पढ़न जो हम गल सरकार की लेके आईए तो जे साडे विचों ही कुछ सरकार दा या कुछ पॉलिटिक्स बच्चे साडे विच पढ़ते हो मतलब कि मैनू नहीं लगता कि जेडे पॉलिटिक्स बंदे है वो अपने बच्चों सरकारी स्कूलों च पढ़ाएंगे सो ये बहुत ज़्यादा वड्डा खिलवाड़ किया जा रहा है बच्चों के नाल जेडे आम जनता है उन्हां पटियाला के एसएसपी विक्रमजीत दुग्गल ने कोरोना को लेकर कहा है कि कोरोना जैसी महामारी से घबराने की जरूरत नहीं है लोगों को चाहिए कि वो समय से समय पर अपना कोरोना टेस्ट करवाते रहें मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंस का पालन भी करें यानी कि कोरोना की सभी गाइडलाइन का पालन करना होगा और एहतियात बरतने होंगे सावधानियां बरतनी होंगी उसी के चलते कोरोना पर रोक लगाई जा सकती है। उसी को लेकर आज हम पहुंचे पटियाला के एसएसपी विक्रमजीत दुग्गल जी के साथ खास बातचीत करेंगे कि इस महामारी को जो लोगों को एक बहुत बड़ा डर पाया जा रहा है उसी को लेकर हम बात करेंगे पटियाला पुलिस की ओर से कैसे प्रबंध किए गए हैं। सर पटियाला पुलिस की ओर से जैसे महामारी पिछले लंबे समय से चल रही है कैसा प्रबंध किया गया है पटियाला पुलिस की ओर से? जी धन्यवाद। जो पटियाला पुलिस ने पटियाला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर पंजाब गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं कोविड की जो गाइडलाइंस हैं उनको ध्यान में रख के एक कॉन्सेप्ट तैयार किया था जिसमें मास्क सर्वेलेंस टीम्स हमने तैयार की थी हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मेलजोल करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मेलजोल करके ये जो टीम्स हैं वो पटियाला समाणा नाभा राजपुरा इन एरियाज़ में घूमती हैं। इनके अलावा जो कंसर्न SHOs हैं उन्होंने अपनी खुद की टीम्स भी बनाई हुई हैं। हर रोज़ हम मास्क रिलेटेड जो वायलेशंस हैं उनके भी चलान काटते हैं। इसके अलावा हम जो लोग मास्क रिलेटेड वायलेशंस करते हैं या सोशल डिस्टेंसिंग रिलेटेड वायलेशंस करते हैं उनको ये टीमें पकड़ के ले जाती हैं और उनके टेस्ट भी करवाती हैं। पिछले 3-4 दिनों में हमने देखा कि 4300 से भी ज़्यादा हमारी टीमों ने जो सैंपलिंग करवाई है टेस्ट करवाई है RT-PCR टेस्ट करवाए हैं उसमें से 36 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं जो कि पॉजिटिव मामले सामने आए कोविड पॉजिटिव। तो इससे ये पता चलता है कि कई बार पब्लिक जाने अनजाने में जो है मास्क भी नहीं लगाती और
मार्केट एरियाज में, पब्लिक एरियाज में घूमती हैं और कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद भी घूमती है, जो कि खुद के लिए तो खतरनाक है ही, दूसरों के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सर, पटियाला पुलिस की ओर से एक सलाघा योग जो कदम किया जा रहा है, मेडिकल टीम के साथ लोगों का जो है टेस्ट किया जा रहा है, फ्री में टेस्ट किया जा रहा है, कई लोग ऐसे हैं जो ये टेस्ट कराने से कतरा रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा सबको कि ज़्यादातर केसेस जो हेल्थ डिपार्टमेंट के नोटिस में आते हैं, उनकी ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गई होती है। कई केसेस में तो 30-40 के आसपास जो है वो ऑक्सीजन लेवल पहुंच जाता है, होना चाहिए 95-97 के आसपास का ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए, लेकिन इतना कम इसलिए हो रहा है, इसका मतलब कि बहुत देरी से जो पेशेंट्स हैं वो पहुंच रहे हैं, वो डॉक्टर साहिबान को बहुत देरी से अप्रोच कर रहे हैं। तो मैं सबको इस माध्यम से, आपके माध्यम से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आपको कोई सिम्टम ऐसा लगे कोविड रिलेटेड, तो इमिडिएटली आप डॉक्टर को अप्रोच करें। एक पटियाला पुलिस की ओर से पिछले समय में जो गैंगस्टर हैं उनकी जो प्रॉपर्टी अटैच की जाए, बहुत अच्छा कदम है, ऐसे कितने मामले आपके पास अभी तक आए, कितनी जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है? सर देखिए, अब तक जो मामले सामने आए हैं, हमारे पास काफ़ी लंबी लिस्ट थी जिसमें कि गैंगस्टर्स या आतंकवाद से लेके और भी कई तरह के मामले थे जिसमें कि भगौड़े करार दिए हुए हैं ऑनरेबल कोर्ट ने। उन भगौड़ों के ख़िलाफ़ जब हमने कार्रवाई की तो उनकी प्रॉपर्टी हमने सीआरपीसी के सेक्शन 82-83 के तहत आइडेंटिफाई करके उसको अटैच करने का काम शुरू किया। अब तक 11 करोड़ के आसपास की जो प्रॉपर्टी है वो 22 से भी ज़्यादा ऐसे भगौड़ों के खिलाफ कार्रवाई करके अटैच की गई है। सर, कल सभी तरीका किसानों की ओर से जो है बंद का ऐलान किया गया, पटियाला पुलिस की ओर से किस तरह के जो प्रबंध किए गए हैं? देखिए, हमारी सभी टीमों को, सभी एसएचओस को अलर्ट किया गया है, हमारे डीएसपी साहिबान को भी अलर्ट किया गया है। पब्लिक से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा सहयोग दें, जैसे हर बार आपकी तरफ से पुलिस का सहयोग होता है, हम ये आशा करते हैं कि आपकी तरफ से बहुत ही अच्छा सहयोग इस बार भी रहेगा। यहाँ पटियाला के एसएसपी विक्रमजीत दुग्गल जी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि लोगों को इस महामारी से घबराना नहीं चाहिए और समय पर अपने जो है टेस्ट करवाने चाहिए। कैमरामैन हरप्रीत चहल के साथ बिंदर बातिस, बीआईपी न्यूज पटियाला। पिछले लंबे समय से जो कोरोना महामारी, चेकअप बिजली विभाग के कर्मचारियों ने अपने ही उच्च अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ गुहला एसडीएम को एक पत्र सौंपा है। प्रधान अभिषेक ने बताया कि अधिकारियों ने कर्मचारियों का शोषण किया जो वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वीआईपी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। लगातार उच्च अधिकारियों के द्वारा अपने कर्मचारियों को तंग किया जा रहा है। हालांकि बिजली कर्मचारियों का काफी समय से यही रोष प्रदर्शन रहा है। तो पूरी क्या है बात, हम बिजली कर्मचारियों के प्रधान से बात करते हैं कि किस विषय में जो आज विज्ञापन देने के लिए आप एसडीएम साहब के पास में आए और क्या है पूरा मामला? सबसे पहले तो मैं मीडिया के साथियों को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे लिए समय निकाला और हमारी जो कवरेज करने का मौका दिया। तो साथियों, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बिजली कर्मचारियों का लगभग 18 दिन से आंदोलन चला हुआ है, बार बार टेबल पे बात की जा रही है और अधिकारियों द्वारा हमारी मांगों को जायज भी बताया जा रहा है और हर बार ये कहा जा रहा है कि आज शाम तक हम आपकी मांगों का समाधान कर देंगे, लेकिन आज 18 दिन हो चुके हैं, कोई समाधान नहीं किया गया। उस अधिकारी का क्या नाम? उपमंडल अधिकारी राहुल वर्मा जी हैं और हमारे कार्यकारी अभियंता अजय कौर जी हैं। उनके द्वारा लगातार आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन मांगों का कोई समाधान नहीं किया जा रहा, इसलिए हमने निर्णय लिया, हमारी कार्यकारिणी ने, कि हम आज 25 मार्च को एसडीएम के माध्यम से अपनी मांगों का संज्ञान उनके बीच में लाएंगे और उनसे हमने आशा रिक्वेस्ट की है कि वो इसमें मध्यस्थता करते हुए कर्मचारियों की मांगों का समाधान कराए। आगे भी हमने निर्णय ले लिया है, आज ही 31 मार्च को हम अपने उपमंडल अधिकारी चीका और कार्यकारी अभियंता गुला की शव यात्रा पूरे चीका शहर में निकालेंगे और एक पोल खोलो अभियान चलाएंगे। जो भी भ्रष्टाचार, रिश्वतखोर, सौदेबाजी बिजली बोर्ड गुला डिवीजन के अंदर की जा रही है, उसके सारे सबूत अपने उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, उच्च अधिकारियों तक का बात पहुंचनी चाहिए। जब बात आए भ्रष्टाचार की तो आम जनता बहुत परेशान है, खासकर उन बिजली विभाग के द्वारा
जब एक पोल को दूसरी पोल की जगह या कोई ट्रांसफॉर्म लगाने के लिए हजारों रुपए रिश्वत ली जाती है, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक उन उच्च अधिकारियों को, जो ईमानदार अधिकारी हैं, उनको समझ नहीं आ सकता। और भी हम साथियों से बात करेंगे। फिलहाल वीआईपी न्यूज के लिए देखते हैं गुरमेज राणा के साथ में कैमरा पर्सन हीरा सोल, धन्यवाद। पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की ओर से पटियाला के सदर थाने में नई इमारत का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर एसएसपी पटियाला विक्रमजीत दुग्गल ने बताया है कि 2 करोड़ की लागत से इस नई इमारत का निर्माण हुआ है। इसके आगे उन्होंने कहा कि जिले में पुलिस थानों की हालत ठीक नहीं है और इसके लिए भी प्लान तैयार किया गया है। पंजाब पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन वालों जो ये बिल्डिंग तैयार की गई है, 2 करोड़ की लागत नाल 10,000 स्क्वेयर फुट दे विच ये बिल्डिंग बनी है थाना सदर पटियाला। यदि पुरानी बिल्डिंग दे बिल्कुल सामने ये नवी बिल्डिंग बनी है, ये बहुत ही चंगा उपराला हैगा पंजाब पुलिस का, पंजाब गवर्नमेंट का, तो इस जूरिसडिक्शन के वसनीक लोगों वास्ते। पाकिस्तान इंडस्ड वाटर स्लिपिंग कमीशन का 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंचा। यहां उनकी तरफ सचखंड श्री हरमंदिर साहब में नतमस्तक होकर गुरु की इलाही बानी का श्रवण किया है और साथ ही मौके पर दरबार साहिब के सूचना केंद्र की ओर से उनका स्वागत किया गया। देखें, गोल्डन टेंपल एक होली सेक्रेट प्लेस है जहाँ पे पीस की बात है और जहाँ पे सबके लिए जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी है, अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे आके हमें काफ़ी दिली सुकून मिला है और मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो लार्जर लेसन भी इसका यही है कि को एग्जिस्ट करना चाहिए, पीसफुली रहना चाहिए। तो इसमें कोई शक नहीं, मुझे बहुत ही दिली सुकून मिला है और बहुत ही इत्मीनान कल्ब मिला है। सो इट वाज ए वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस टू विजिट द गोल्डन टेंपल। संगरूर के गांव भसौड़ में 4 बच्चों की मारपीट के मामले में नया मोड़ आया है। आपको बता दें कि इस मामले का जायजा लेने नेशनल एसपी कमीशन के चेयरमैन विजय सांपला पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ हुई वारदात 7 मार्च की है, जबकि इनके ऊपर 14 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई जो कि शक के घेरे में आती है। मोगे दे विच इक जिहड़ा केस होया सी, 2 कुड़ियां दा मर्डर होया सी और ए केस जिहड़ा तुहाडे जिस तों आए आ ते बच्चियां दे केस दा मैनूं पता लगा सी और अज उहदा दौरा रख्या सी सवेर दा, पहलां सवेर उधरों आए तां क्योंकि इहदे इक जिहड़ा सीगा 7 तरीक दी वारदात होई सी और शंका मन सीगियां कि भी इन्नी देर बाद इक एफ आई आर होना वो अपने आप शंका सीगी। होशियारपुर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर पंजाब हिमाचल बॉर्डर पर वीआईपी न्यूज की टीम ने दौरा किया है। आपको बता दें कि हिमाचल सरकार की ओर से बाहर से आ रहे पर्यटकों के लिए 72 घंटे पहले करवाई गई कोरोना रिपोर्ट जरूरी है, जिसके आधार पर पर्यटकों को हिमाचल में आने की अनुमति दी जाएगी। इस बात को जानने के लिए हमारी टीम जब हिमाचल बॉर्डर पर पहुंची तो बात साफ हुई। हिमाचल सरकार के द्वारा केवल हिमाचल में मौजूद बाबा बडभाग सिंह के डेरा लगने वाले मेले में जा रहे भक्तों के लिए ही कोरोना रिपोर्ट 72 घंटे पहले करवा कर आना जरूरी कर दिया गया, जिसके आधार पर बाबा बडभाग सिंह के मेले में जा रहे भक्तों को हिमाचल में एंट्री दी जाएगी। सभी दर्शकों का स्वागत है वीआईपी न्यूज में। आज हम खड़े हैं होशियारपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर, जो पंजाब हिमाचल बॉर्डर है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को कहूंगा दिखाएंगे, मेरी जो पीछे है पंजाब हिमाचल बॉर्डर है, जहाँ पे कि पंजाब सरकार ने एक तरफ तो कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन जारी की है और सख्ती का रुख अपनाया है और आज हिमाचल सरकार ने भी जो की है अपना सख्ती से रुख दिखवाते हुए यहाँ से कुछ ही दूरी पर हिमाचल में जो की है बाबा बडभाग सिंह के नाम से बहुत ही मशहूर जगह है, जहाँ पर मेले स्टार्ट हो चुके हैं और हिमाचल सरकार की तरफ से आने वाले लोगों के लिए कोविड टेस्ट, जी हाँ कोविड टेस्ट, जो कि 72 घंटे पहले कराना जरूरी कर दिया गया है और जो पर्यटक है हिमाचल घूमने के लिए जा रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है
ताकि जो कोरोना महामारी की जो चेन है उसको किसी तरह से रोका जाए। आप देख सकते हैं वीआईपी न्यूज की टीम ने जो हिमाचल बॉर्डर का दौरा किया है और यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है पूरा अलर्ट है। मैं कैमरामैन को कहूंगा एक बार दिखाएंगे, जो पीछे गाड़ियों को रोका जा रहा है और उनसे पूछा जा रहा है कि वो कहाँ जा रहे हैं, अगर तो वो मेले के लिए जा रहे हैं तो उनका कोरोना टेस्ट जो कि 72 घंटे से पहले हुआ हो वही लाजमी होगा और आगे जाने के लिए उनको कोविड की रिपोर्ट या हिमाचल पुलिस प्रशासन को दिखानी पड़ेगी, नहीं तो उनको आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो कोरोना पॉजिटिव की जो रिपोर्ट है उसको अगर आती है तो आगे जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। कोरोना की रिपोर्ट लेकर आना ही हिमाचल सरकार ने जो कि यह जरूरी कर दिया है पर्यटकों के लिए और लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। आप साफ देख सकते हैं कि गाड़ियों का काफिला रोका जा रहा है पुलिस की तरफ से और उनसे पूछा जा रहा है कि वो लोग कहाँ जाएंगे। हमारे साथ कुछ पर्यटक हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से सर, क्या नाम है आपका? राकेश सूद। कहाँ जा रहे हैं आप? माता चिंतापूर्णी के। तो आपको यहाँ पे रोका गया है कि आप कोविड की जो टेस्ट है आप करवा के आए हैं? नहीं सर, नहीं करवा के आए। कितने जने हैं? 4 जने हैं सर। तो अगर आपको अगर कोविड के टेस्ट की रिपोर्ट यहाँ से लेनी पड़ेगी तो आप क्या करेंगे? ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सर। तो आपको लगता है कि ये जो सरकार की तरफ से ये जो प्रशासन की तरफ से सख्ती की जा रही है ये सही है? सही तो नहीं है सर। क्यों आप सही नहीं मानते इसको? क्योंकि क्या कोरोना से डर नहीं लगता? कोरोना से डर लगता है लेकिन हमारी नेगेटिव है, हमारे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये थे हमारे साथ पर्यटक जिन्होंने बताया कि कोरोना से तो डर लगता है लेकिन घूमना भी बहुत जरूरी है। लेकिन हम लोग वीआईपी न्यूज की टीम की तरफ से और वीआईपी न्यूज की तरफ से लोगों से अपील करते हैं बार बार के कोरोना की चेन को रोकने के लिए कृपया सोशल डिस्टेंस अपनाएं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।